बरेली में हनी ट्रैपिंग का मामला सामने आया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनजीओ चलाते हैं, जॉब करते हैं, वो साथ में है, उन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए क्या है पूरा मामला, आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है और आपको भी उसमें कहा गया था आप भी इस धंधे में। देखिए माधुरी पाल, मनोज पाल एक रविंदर पाल नाम के ये फतेहगंज पूर्वी के बंदे हैं। माधुरी पाल ने एक फंसा के किसी बंदे से संजय नगर में अपना मकान बना लिया है और ये लोग काफी लोगों को फंसा भी चुके हैं। हम उससे भी ये लालच दे रहे थे कि देखो इससे अच्छी कमाई किसी में नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है और आप जो है मेरे साथ में ये कार्य शुरू कर दो और अगर नहीं करोगी तो हम तुमको जो है गलत मुकदमे में फंसा देंगे। और ये 8 जून 2023 को मेरे घर पे रात्रि 9:30 पे आए थे और मनोज पाल, नैना पाल, माधुरी पाल ये तीनों लोग आए थे। आने के बाद में इन्होंने समंचा लेके और कहा कि चलो अभी कोई लोग खड़े हुए हैं तो मैं उनको ब्लैकमेल करना है, मैंने मना किया। तो उसके बाद में इन्होंने मेरे ऊपर बोला कि चलो तो हम तुम्हें सुबह देखेंगे कि क्या करती हो, तुम खुद ही अगर मेरे साथ कार्य नहीं करोगी तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ऐसे करके बोला था। कितने लोग हैं इनके साथ में? बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को ये लोग फंसा चुके हैं। करीब 9 प्रार्थना पत्र है, 9 मतलब समझौते नामे हैं, 2 मुकदमे की कॉपियां भी हैं, वो सब मैं पुलिस को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। कौन कौन लोग हैं जिनकी सुंदरबन फंस चुके हैं? एक दीवान जी हैं, उनको भी इसमें बहुत ब्लैकमेल किया। एक जसराम कोई सिपाही है फतेहगंज पूर्वी का और एक टीचर है, एक प्रशांत है और बहुत सारे प्रार्थना पत्र। राजनीतिक लोग हैं जिनकी शिकार हो चुके हैं? राजनीतिक लोग होंगे लेकिन उनकी जानकारी अभी हाल ही में एक दरोगा को भी इन्होंने फंसाया है। हाँ दरोगा को फंसाया है, वो तो राजेंद्र सिंह सिरोही करके एक दरोगा जी है, उनको फंसाया है इसने, उनके साथ पैसे की डिमांड की। ये किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं लोगों के लिए? ये ब्लैकमेल करते हैं, मतलब कोई भी नंबर दे देता है इनको और या नंबर ये कहीं से पा लेते हैं या फेसबुक से निकाल लेते हैं या इंस्टाग्राम से ले लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, इंस्टाग्राम से अधिकतर ये नंबर लेते हैं या फिर उनके लिए नूर तस्वीर के नाम से ये वायरल करते हैं या धमकी देते हैं। उन्होंने ये इनके साथ में जो मनोज पत्रकार है मनोज पाल, वो इनका कथित पति बन के आ जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है हम तुम्हें नहीं रखेंगे और देख लो तुम्हें क्या करना है, या तो ले जाओ उससे शादी कर लो और नहीं तो फिर अपने आप देखो, और फिर ये पैसों की डिमांड कर देते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं वो शर्म के मारे समाज में ना जाएं, दिक्कतों के कारण इन लोगों को पैसे दे देते हैं। आपसे भी कहा कि आप वीडियो कॉलिंग करिए और उसकी वीडियो बनाइए, इस टाइप की बातें? मुझसे उन्होंने कहा कि बातें मैं अपने आप कर लूंगी, केवल तुम्हें आना है मेरे साथ में और आके फिर तुम मेरे साथ में ये काम करना है और हम तुमको इतना पैसा देंगे, जो कि मैंने मना किया। 8 जून 2023 को ये लोग मेरे घर पे आए समझ लेके, मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश भी की थी और फिर कहा कि अगर नहीं करोगी तो हम फंसा देंगे। फिर रात को 8 मतलब मैंने थाने में जाके कैंट थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया था, फिर कैंट इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करने से मना कर दिया, बोला कि ये बहुत दबंग महिला है, ये तो किसी को भी फाड़ देगी, किसी के ऊपर भी आरोप लगा देगी। और ये भी बात बोली थी माधुरी पाल ने, मेरे बाल कोई ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, मैं देखूंगी तुम्हें कि तुम कितनी बड़ी समाज सेवी हो, कितनी बड़ी क्या हो, मेरे पास में सब चीजें हैं। पुलिस में आप शिकायत करने गई, क्या पुलिस भी इनके दबाव में रहती है, ऐसा क्यों? ये बहुत बदतमीज लोग हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से ये आरोप लगा दिए, इनका कोई भरोसा नहीं। कितने लोगों को जाना अपने चुंबन फांस रखा होगा अभी? उन्होंने भी 2-9 लोग फांस चुके हैं, अभी एक ये दरोगा जी वाला मामला सामने आया है, इनको भी फांस दिया है। तो काफी लोगों से एक तो दीवान जी है, उनसे तो बेचारों से मकान तक ले लिया इसने। आपके खिलाफ भी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है? बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल अगर एक भी एविडेंस हो तो मैं तो कह रही हूँ योगी जी तुरंत ही एनकाउंटर करवा दे मेरे पूरे परिवार का। बिल्कुल और कभी भी मेरे परिवार के साथ में या मेरे साथ में कोई भी हानि हो सकती है, उसकी जिम्मेदार यही सब लोग होंगे। और लोगों को अपने चुंगल में फंसा कर मोटी रकम बैठते हैं, फिलहाल इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, अब इन्हें जान मन का खतरा भी है अपना और धमकियां भी मिल रही हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, आरोपियों को अभी गिरफ्तारी नहीं की है, अब देखने वाली बात यह होगी कि कब उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
ब्यूटी जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मनवीर सिंह टीवी9।